शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभान गंग की तरंग माल विमल नीर गागे ये लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी भाल कुमकुम सिंदूर कुलाल प्रकुटी वर्षा दे। मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं, जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसे बने। अरे माजी कितने कड़क लड्डू बनाए तुमने। नरम ही तो है। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो अभी सब लोग टेरेस पे पहुंच गए होंगे और पतंग उड़ाना शुरू भी कर दिया होगा। चला चला चला। पिंकू आज टप्पू के टेरेस पर से जो भी कटी हुई पतंग जाएगी वो जरूर पकड़ी जाएगी। मैं अभी दादाजी को बुला के आता हूँ, फिर हम पूरा दिन जमकर पतंग उड़ाएंगे। हाँ। यस। हेलो अन्ना। हाँ कृष्णन नायर। हैप्पी पोंगल। हाँ पोंगल वालों तो गला। थैंक यू। हाँ मैं और बबीता सूर्य मंदिर जाने वाले हैं। हाँ अन्ना उधर सबको हैप्पी पोंगल बोल देना। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके। बबीता अरे कितना टाइम है तैयार होने में? एक मिनट आ रही हूँ। हाँ अरे की हेलो ऐसे क्या देख रहे हो? बाय द वे हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी संक्रांति। हैप्पी पोंगल हैप्पी संक्रांति बबीता भगवान का सौगंध। जब मैं छोटा था तो सपने में साउथ इंडियन गार्डन में जो परी देखता था ना तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो। निरुम्बा अलगा इरुक्के। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू वेरी मच। और अब मेरी तारीफ करना बंद करो और चलो। हाँ चलो सबसे पहले मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, फिर सोसाइटी वालों के साथ में पतंग उड़ाएंगे। Yes. हाँ, चलो जगो टुकु कितना प्यारे जगो जगो टुकु कितना प्यारे जगो। दया क्या कर रही है सुबह सुबह? लोरी। अरे लोरी तो रात को सुलाने के लिए गाते हैं। हाँ हाँ लेकिन ये सवेरे सवेरे जगाने की लोरी है। अरे चलिए उठिए पतंग नहीं उड़ाने हैं। अरे हाँ आज तो मकर संक्रांति है। तो दया फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कड़क चाय बना, आज सबसे ज्यादा पतंग मैं ही काटूंगा। अरे टप्पू ये क्या है? टप्पू पतंग पकड़ने की लकड़ी। टप्पू तेरे लिए मैं इतनी पतंग लेके आया, फिर भी कटी हुई पतंग पकड़ने का क्या शौक है तुझे? अरे पापा कटी हुई पतंग पकड़ कर उड़ाने में जो मजा है वो खरीदी हुई पतंग उड़ाने में नहीं है। अरे लेकिन लोग क्या बोलेंगे बेटा कि घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का बेटा कटी हुई पतंग पकड़ने के लिए ऐसे 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 दौड़ता है। कैसे मुर्गी वो लकड़ी इधर ला। ये ए, 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 अरे संभाल के लग जाएगा, उल्टा कर इसको ऐसे। ऐसा उल्टा नहीं ऐसा उल्टा मतलब टप्पू मस्ती नीचे ओला इधर नहीं टप्पू निकलो। अरे कैसे हो? बोल में पतंग उड़ाना शुरू हो गया। वहाँ का तो मजा ही कोई चोर है। वहाँ पिछली बार जब हम लोग अंदर बनाया था तो कितना मजा किया था। आज मैं पतंग होती ना तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाती। बोलो बराबर है। सुंदर की पतंग पूरे अहमदाबाद में कोई नहीं काट सकता।
अरे टप्पू पेच लड़ा रहा है ऐसा बोलते हैं। अरे पेच लड़ रहे हैं। अच्छा मतलब तेरी माँ ने इस बार मेरा नाम पेच रखा है, तो पूछ उनको कि वो मांझा क्या कर रहा है। मांझा वही जो सबको काटता है। अरे सुंदर वाह, टप्पू के पापा ने सुंदर का नाम मांझा रखा है। चल अबे फोन रख पे, अगर से पे नहीं जाना पतंग उड़ाना। हाँ मैं बाइक पे फोन करती हूँ। तू तो बहुत टाइम पास करती है दया, चलना पे जल्दी। भाई क्या हुआ, क्यों डांट रहे बहू को? नहीं नहीं ओ बाबूजी। अरे के ये इतनी सारी पतंग लाए फिर भी कटी हुई पतंग उड़ानी है तुझे? हाँ दादाजी, मैं भी कब का पापा को वही समझा रहा हूँ। चुप रह, तू चुप रह। टप्पू लकड़ी ले ले। बाबूजी। क्या बाबूजी, चल भाई तैयार है ना तू? नहीं अभी तक नहाया नहीं है। तू अभी तक नहाया नहीं है? बेचारे अभी उठे ना। क्या बेटिया, आज भी तू देर से उठा? अरे कितना सोता है तू, छुट्टी हो तो सोना, त्योहार है तो सोना, बस सोना सोना सोना। ज्यादा सोना 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 मत कीजिए बाबूजी, इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो इधर धड़ पड़ेंगे। ऐसे वाहियात जोक मारना बंद कर और जा नहाने जा। बापूजी, अरे वो एक बात बोलना भूल गया आपको, वो भजन का आयोजन क्या बढ़िया किया था आपने, मजा आ गया वो कार्यक्रम में। हाँ हाँ। दादाजी पापा आपको मस्का लगा रहे। चुप रह, तू चुप रह, जा नहाने जा। टप्पू ये लकड़ी रख दे। जी दादाजी। जी दादाजी। बापूजी मैं कब से इसको बोल रहा हूँ कि लकड़ी रख दे, तो मेरा मान ही नहीं रहा है। ए भाई मैं तुझे कब से कह रहा हूँ नहाने जा नहाने जा, तू मान रहा है? जा नहाने जा और जल्दी तैयार होके ऊपर आ जाना छत पर। चलो बहू। हाँ। जलेबी फाफड़ा थोड़ा रख के जाना। क्या जलेबी फाफड़ा? क्या जेठिया? बंधी रे पतंग मेरी बंधी रे। हेलो तारक, आई एम रेडी। सूरज घर में आ गया है क्या? ओ, ओ, चले भाई दो मिनट बस, लास्ट पतंग है। ओके ठीक है, मैं भी फटाफट आती हूँ। हाँ? हाँ। गुड मॉर्निंग बॉस, हैप्पी मकर संक्रांति बॉस, व्हाट अ मॉर्निंग। हाँ बॉस। नहीं नहीं बॉस, नो प्रॉब्लम्स बॉस। नहीं नहीं मीटिंग्स तो रखनी चाहिए। I like your this attitude, boss. कि त्योहार तो रोज आते रहते हैं लेकिन काम होना चाहिए। या या बॉस या। नहीं नहीं पहुंच जाऊंगा मैं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बॉस, बस अभी आता हूँ बॉस। ओके बॉस। इस बॉस को तो ना पतंग के साथ बांध के हवा में उड़ा देना चाहिए मीटिंग। तारक नाउ आई एम रेडी, अब हम चले। हम नहीं भाई, सिर्फ तुम। मतलब? मतलब कि मुझे अभी पतंग की तरह उड़ के ऑफिस जाना पड़ेगा। What? तारक मकर संक्रांति के दिन पर कोई ऑफिस जाता है? जाना पड़ता है अंजलि, और जाना पड़ेगा, बॉस का फोन आया, अर्जेंट मीटिंग है। ओहो तारक, कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं कर सकता अंजलि, और एक बात बताऊं, कैंसिल नहीं करने के तीन कारण। पहला कारण वर्क इज फर्स्ट, बाकी सब चीजें बाद में। दूसरा कारण आराम हराम है, और तीसरा सबसे मुख्य कारण नहीं जाऊंगा तो नौकरी जाएगी। ये क्या तारक, आज गोकुल धाम में हम सब मिलकर कितनी उमंग से पतंग उड़ाने वाले हैं और आप ऑफिस जा रहे हो? मैं जानता हूँ अंजलि, मुझसे छुपा है कुछ। और गोकुल धाम में पतंगबाजी तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे सचमुच हम गुजरात में पहुंच गए, वहाँ का जोश और यहाँ का जोश बिल्कुल बराबर होता है। तो लेकिन क्या करूँ, मेरे बॉस का मीटिंग है, जाना पड़ेगा। तुम लोगों के मजे हैं, हाउसवाइफ्स, कोई बॉस नहीं होता। वेरी फनी तारक, आपको ऑफिस में एक बॉस होता है, पता है हम हाउसवाइफ को कभी कभी एक पति में 100 बॉस दिख जाते हैं, आपको क्या पता हम पतियों पे क्या गुजरती है तारक। एक मिनट अंजलि, मकर संक्रांति का त्योहार पतंग में पेच लड़ाने का है, हम आपस में क्यों पेच लड़ा रहे हैं? मैं ऑफिस जाके अपने बॉस को बर्दाश्त करता हूँ, तुम मकर संक्रांति मनाओ, पतंग उड़ाओ। नहीं तारक, आपके बिना अकेले मुझे क्या एंजॉय करने में मजा आएगा,
मुझे पतंग उड़ाने में ही मजा नहीं आएगा। अरे अकेली कहाँ हो, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है ना तुम्हारे साथ। वो सब ठीक है तारक, पर आपको पता है एक पत्नी के लिए पति बिना त्योहार मनाना यानी बिना डोर के पतंग। अंजलि बी प्रैक्टिकल, क्या करती हो भाई तुम, अपने उमंग में कोई कमी मत आने दो, जम के पतंग उड़ाओ वरना मुझे बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, पर आप ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आने की। ओके ओके। माधवी भाभी सच्ची मुच्ची, अगर तिल के लड्डू बनाने का कंपटीशन होगा ना तो आपके हाथों के बने लड्डू को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, इतने टेस्टी है। सही बात है। अरे कमाल से बाबा। अरे ये गोली किधर गया? अरे वो तो कन्नी बांध रहे। हाँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो गोली के पास। हाँ चलो, चलो। बहुत महंगा पड़ा। अरे दया ये एक मिनट है, निकल। क्या है? अरे क्या क्या नाश्ता किधर है दया? हाँ अब्दुल फाफड़े जलेबी लेकर आ ही रहा है। अरे कितना टाइम लगे? मकर संक्रांति है भाभी। हैप्पी संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति भाई। हाँ संक्रांति संक्रांति। क्या अरे देखो देखो झगा मगा मला पगा याला म्हणतात खरा व्यापारी हा, पूरी पतंग की दुकान साथ लिए घूम रहा है भाई। लेकिन ये सब बेचने के लिए नहीं है भाई, नॉट फॉर सेल ओनली नजारा। चांगले चांगले, ऐसा लगता है पूरा आकाश शर्ट पे जमा हो गया। कसं सुचतं कसं पण, मतलब ये आइडिया कैसे आता है ये शर्ट पे सब डिजाइन विजाइन? अरे ये हमारे एक मित्र है जीतू भाई, बहुत सखा पाव रखते हैं मेरे साथ। हाँ बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो अलग अलग प्रसंग पर मेरे लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया शर्ट बना के भेजते हैं। माधु भाभी डिब्बे में क्या है? अरे माय माधी तू अरे ये लो। नहीं हमें बहुत खा चुके भाई, हमने तो देखा नहीं, हमने कहाँ देखा, नहीं हम भी खिलाएंगे। अरे अंजलि भाभी मैं तो सब कहाँ है वो? अरे उनको अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ा, उनके बॉस का फोन आया था, पर आ जाएंगे, उन्होंने कहा है जल्दी आएंगे। गुड। बबीता जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? किसे ढूंढ रहे? हवा हवा देख रहा था बापूजी। हवा दिखती है? नहीं वो पतंग दिखती है ना, तो उससे पता चलता है किस तरफ की हवा है। लेकिन आज एक भी पतंग नहीं दिखाई दे रही है। दिखेगी दिखेगी, सब लोग धीरे धीरे आके पतंग उड़ाएंगे ना तब दिखेगी। है लगता है आज सब तेरी तरह देर से उठे होंगे। बोलो आज हमारे अहमदाबाद में तो आकाश दिखेगा ही नहीं। क्यों? पूरा आकाश पतंग से ढक गया होगा ना। और पता है वहाँ तो कब से पतंग उड़ाना शुरू भी हो गया। रियली देव भाभी क्या नजारा होता होगा? नहीं अरे क्या बात है, इधर तो आसमान में एक भी पतंग नहीं दिखाई दे रही है। मुंबई में उत्तरायण आज ही है ना? हाँ ऐसा होता है, हर जगह उत्तरायण अलग अलग दिन मनाते हैं। अरे नहीं दया भाभी, सब जगह उत्तरायण आज ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज उत्तरायण यहाँ। रोशन भाभी की तरफ से मैं आपको सॉरी कहती हूँ। हाँ अगर मुंबई में उत्तरायण आज है तो आसमान में एक भी पतंग क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाँ बोलिए जवाब दीजिए। फिरकी ठीक से पकड़ो ना। हाँ हाँ बेटा, अरे ठीक से पकड़ो, एक ढील भी दे रहा हूँ। उड़ा उड़ा उड़ा। ये देख इतना बड़ा डॉन है और अपने बेटे के सामने एक नहीं चलती। बेटा भी तो ऐसा, जब से पैदा हुआ तब से एक बार भी हंसा नहीं और एक नंबर का जिद्दी। आज तो ऐसी जिद पकड़ी है उसकी पतंग कटनी नहीं चाहिए। क्या
इधर देख पकिया, पूरे एरिया में अनाउंस कर दिया ना, आज सुबह 10 से 12 बजे तक यहाँ पे पतंग का कर्फ्यू है। सिर्फ पप्पू भाई का बेटा प्रिंस ही पतंग उड़ाएगा, और कोई पतंग नहीं उड़नी चाहिए। और किसी ने पतंग उड़ाने की जरूरत की तो उसकी खैर नहीं है। हाँ भाई, अपने आदमी जा जाकर पूरे एरिया में कह रहे हैं, देखो आसमान में एक भी पतंग उड़ रही है क्या? ए, क्या बड़बड़ कर रहे हो? चलो नजर रखो, कोई पतंग ना उड़ाए। अगर प्रिंस की पतंग कटी तो वो रो रो के हंगामा कर देगा। प्रिंस को मैं रोते हुए नहीं देख सकता। भाई कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता, पूरे एरिया में अपने आदमी खुली जिम में घूम रहे हैं। ठीक है ध्यान रखो। अरे टप्पू सेना, तुम लोग की पतंग को कंधी बांधकर हुई कि नहीं? अरे भीड़ अंकल, ये सब पतंग क्या, इन सब में कंधी बांधी हुई है। अरे वाह अप्रतिम, क्या बात है। कैरी ऑन। अरे भीड़ अंकल, अरे अरे हाथी भाई, ये मकर संक्रांति आज ही है ना? हाँ आज ही है। क्यों? ये आसमान में अभी तक किसी ने पतंग उड़ाना शुरू नहीं किया, लगता है लोगों ने पतंग उड़ाना कैंसिल कर दिया है। अरे हाँ, एक ही पतंग उड़ रही है। कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रही। उधर दिखे? नहीं दिख रही भाई। दिखे? हाँ दिखी दिखी। बबीता जी। हाय। क्या बात है बबीता जी, दूर से एक सेकंड आपको मैंने पहचाना नहीं। साड़ी में बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। ओ बोलते ना हो क्या अपना हो, भारतीय आर्य नारी। ओ क्या बोलते हो अपना हो, ओ एकदम मैरिज मटेरियल। क्या मैरिज मटेरियल? क्या मेरा और दया का जो मैरिज हुआ ना, उसमें दया ने यही मटेरियल की साड़ी पहनी थी, ऐसा बोल रहा था। अरे अय्यर भाई, आप भी आज एकदम साउथ इंडियन लग रहे। लग रहा है मतलब? मैं साउथ इंडियन ही हूँ बाय बर्थ। बेटा मैंने किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ये साउथ इंडियन कॉस्ट्यूम नहीं पहना है। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ कि आज एकदम आप बढ़िया साउथ इंडियन लग रहे हैं ऐसा। अरे आज तो आपका पोंगल है नहीं? अरे हैप्पी पोंगल बबीता जी। हैप्पी संक्रांति टू यू। थैंक यू। अय्यर भाई, आप हैप्पी पोंगल नहीं बोलेंगे? हैप्पी पोंगल, हैप्पी पोंगल। बाय द वे, आपकी शर्ट काफी इंटरेस्टिंग है। हां अच्छी लगी आपको? ये देखो बढ़िया है ना, सब ऐसे फिरके पतंग पतंग सब। पीछे भी देखो बहुत बढ़िया है, सब ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी और सब अब्दुल जनरल स्टोर और सब लिखा। अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ एकदम मकर संक्रांति लग रहा है खुद। अय्यर भाई हैप्पी पोंगल। बबीता जी हैप्पी पोंगल। थैंक यू एंड हैप्पी संक्रांति। थैंक यू। तिळगुळ घ्या आणि गोडगोड बोला। गोडगोड बोला। तिळगुळ घ्या गोडगोड बोला। अय्यर भाई को खास बोलना पड़ेगा गोडगोड बोला। ओ चलो भाई चलो, पतंग उड़ाना शुरू करें, बहुत मजा आएगा। पापा हमने तो उड़ा भी दिए, वो देखो। अरे वाह क्या बात है यार, अरे वाह, ओ शाबाश शाबाश। एक व्यक्ति अकेला चले तो व्यक्ति होता है, लेकिन जब कोई उनके साथ जुड़ जाए तो कारवां बन जाता है। एक सामान्य सा क्षण उत्सव बन सकता है अगर मिलजुल के मनाया जाए। और देखिए तो गोकुल धाम में कितना मिलजुल के पूरी उमंग के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, जोश है। लेकिन क्या करें साहब, इन सबके बीच में मैं नहीं हूं। मैं बदनसीब, ये कड़ा वो कड़ा, कमाल हो गया, ये सब कुछ नहीं कर पाया।
मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह से पर्व मनाने से वंचित रह जाते होंगे, लेकिन वंचित मत रहिए, अपनों के साथ खुशियां बांटिए, फिर देखिए उत्सव कितना अनोखा हो सकता है हम सबके लिए। लेकिन अनोखी तो गोकुलधाम सोसाइटी है, आप जानते हैं यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ धूप में बारिश हो सकती है, यहाँ सूरज निकल सकता है रात में, यहाँ कभी भी जो आनंद है वो टेंशन में बदल सकता है। अब आप कहेंगे कि मकर संक्रांति के पर्व पे कैसा टेंशन, भाई टेंशन तो है, सामने वाली सोसाइटी से भी पतंगें उड़ रही है और गोकुलधाम से भी, अगर इन पतंगों में आपस में पेंच लड़ गए और उनकी पतंग कट गई तो कितना टेंशन होगा। और आप जानते हैं कि गोकुलधाम में जितना टेंशन बढ़ेगा आपके घरों में हंसी उतनी ज्यादा होगी, यकीन मानिए, हम पे विश्वास रखिए, हम आपकी हंसी की पतंग की डोर कभी कटने नहीं देंगे, वो इतनी ऊंची जाएगी कि क्या बात है। बस मिलकर देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।